तो हेलो गाइस, वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फायर रेड। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये जो टनल के यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, तो अभी हम लोग आज का वीडियो में हम लोग आगे के मतलब स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले हम लोग हमारे पोकेमॉन को एक मूव सिखाना है जो कि होगा फ्लैश, क्योंकि हमें उसका यूज़ पड़ेगा। और हमने फ्लैश सीखा, ठीक ओके, हमारा फ्लैश ओडिस सीख चुका है तो हमें अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, हम लोग अभी एक काम और करेंगे, हम लोग बाइसिकल को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था बट कमेंट में एक बंदे ने मेरे को बताया था कि मैं रजिस्टर करके भी यूज़ कर सकता हूँ बाइसिकल को। और अभी हम लोग केव में आ चुके हैं, तो अभी हम लोग हमारे पोकेमोन को फ्लैश यूज़ करने को बोलेंगे ताकि वे ये जो केव है जो दिख नहीं रहा है वो सब दिखने लगेगा। और जैसे कि गाइस अब लोग देख सकते हैं, अब सब दिख रहा है। तो अभी हम लोग हमारे काम करेंगे। हमारे पास रिपेल थे, आई थिंक रिपेल किधर गए, हमने खरीदे थे बहुत सारे रिपेल खरीदे थे। तो ये रहा, हमने रिपेयर यूज़ कर लिया। और अभी हम लोग यहाँ पे साइकिल यूज़ करेंगे और आगे आगे जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक और रिपेयर मिल गया, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र। और यहाँ पे एक बैटल होने वाली है, तो हम लोग बैटल करेंगे। और आपने एक और सुझाव दिया था कि जो अनइम्पोर्टेंट बैटल है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, तो ठीक है, आप जैसे बोलते हो तो वैसे हम लोग करेंगे गाइस। इसके पास एक क्यूबॉन है और हमारे पास नेडो किंग है, हम लोग चेंज करेंगे हमारे पोकेमोन को। एंड वॉर टर्टल अच्छा रहेगा, लीर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अभी पोकेमोन के लेवल इनके हमारे सामने मतलब सेम पोकेमोन लेवल जैसे ही है, बट ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ी ट्रेनिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक स्लो पोक आ रहा है, आई थिंक स्लो पोक के लिए हमारे पास है पिकाचू। वही मैं डर ही गया था कि हमारे पास अभी कोई वाटर टाइप के लिए कोई पोकेमोन होगा कि नहीं, बट है हमारे पास थंडर शॉक है। आई थिंक ये इसके लिए वन हिट के वो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अभी कोई अच्छा अटैक नहीं है, बट ठीक है, ओके। और इसके साथ हमने इसको भी हरा दिया है और हो गया ना, और क्या बाकी है। 1000 पोके डॉलर मिल चुके हैं गाइस हमें, और अभी हम लोग आगे जाएंगे। ये टनल वैसे काफ़ी बड़ी लग रही है मेरे को। ओके, यहाँ पे एक और बैटल है। आई ड्रॉ इल्यूस्ट्रेशंस ऑफ पोकेमोन व्हेन आई एम होम, ठीक है भाई, कुछ भी करता रहे, तेरा घर, हम लोग थोड़े तेरे घर में आएंगे। स्लो पोक, ठीक है। एक नीडो किंग, आई थिंक हम लोग इसे हॉर्न अटैक से मार सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हॉर्न अटैक से। अभी हमें पोकेमोन चेंज करना ही पड़ेगा। पिकाचू आ गया मेरा भाई। ओके, एक वाटर गन, आई थिंक हम लोग इसको थंडर शॉक दे के बहुत कर देंगे। 25 लेवल का है, डिसेबल कर दिया, ठीक है। मेगा किक खा ले और घर पे जा। और इसी के साथ हमने इसे हरा दिया है और हो गया शायद से। तो चलो आगे जाते हैं, हमारा रिपेल ख़त्म हो गया, तो हम लोग बैग खोल के रिपेल यूज़ कर लेते हैं भाई। 18 है मतलब बस, अभी 17 है और रिपेल, ठीक है। आगे क्या है, ओके, एक और पोकेबॉल रिवाइव मिल गया अपने को, अच्छी बात है। आई थिंक ये ग्रास टाइप लग रही है, बट अभी मेरे पास कोई फायर टाइप तो है नहीं, बट हम लोग हमारे पीजी ऑटो को आगे रखेंगे, ऑब्वियस की बात है। तो चलो बैटल करते हैं। आई डोंट ऑफन कम हीयर बट आई विल बैटल यू, ठीक है, करो बैटल। मेरे को लगा ही था ये ग्रास टाइप होने वाले हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं वो ग्रास टाइप ही पोकेमोन यूज़ करते हैं। अरे रे, स्लीप पाउडर, ये लोग ऐसे बचकानी हरकतें करना कब छोड़ेंगे गाइस, पता नहीं। और गाइस, आप लोग पबजी खेलते हो क्या, बताओ। अगर पबजी खेलते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरी पबजी की आईडी आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और अगर आपको पॉपुलैरिटी भी सेंड करनी है तो सेंड कर दो। मैं वैसे टाइम पास के लिए खेलता हूँ पबजी, मैंने रॉयल पास भी नहीं परचेस किया है, परचेस कर सकता हूँ बट मैं नहीं किया क्योंकि मैं टाइम पास के लिए खेलता हूँ। तो अगर आप मतलब अगर आप पबजी खेलते हो तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, मैं आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरी क्या बोलते हैं उसको आईडी बता दूंगा, आईडी या फिर नंबर दे दूंगा जो रहता है ना, जिससे आप लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और मेरे साथ खेल सकते हो। तो क्या हमारा पीजी ओटो एक नया अटैक सीख रहा है जो कि विंग अटैक है, तो हम लोग गस्ट अटैक को हटा देंगे, आई थिंक। हाँ, गस्ट को हटा देते हैं क्योंकि विंग अटैक ही अच्छा रहेगा। और कोई पोकेमोन है इसके पास, नहीं। और हाँ गाइस, पॉपुलैरिटी भी सेंड कर देना, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और बैटल है। डू यू नो अबाउट पोकेमोन कॉस्प्ले, कॉस्प्ले मतलब जो, हाँ वही कॉस्प्ले मतलब जो हम लोग ऐसे उनके क्या बोलते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम बना के खेलते हैं ना, वैसा वाला खेलते नहीं है, मतलब उनके कॉस्ट्यूम पहन के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी मत लो यार, गलत बात मत लो, पर ठीक है।
क्यूबॉन आ रहा है अभी, उसके लिए हमारे पास वॉटरटल है। तो गाइज हमारी टीम ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, हमारी फाइनल टीम बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें लैप्रास भी होगा। मुझे पता है आगे जाके यहाँ पर लैप्रास भी मिलता है, फिर उसमें कोई एक ईवी इवोल्यूशन भी हो सकता है। ईवी का कौन सा इवोल्यूशन ठीक रहेगा हमारी टीम में गाइज मेरे को कमेंट में बता देना, क्योंकि आगे जाके हमें ईवी भी मिलने वाला है शायद से। तो ठीक है, यहाँ पे एक बैटल है, यहाँ पे भी एक बैटल है, तो आई थिंक हम लोग नीचे से जाएंगे, क्योंकि पता नहीं मेरे को लग रहा है नीचे से जाना अच्छा रहेगा, तो नीचे से जाते हैं। चलो जल्दी माय पोकेमोन टेक्निक्स। यार मैंने वाटर टल को सामने नहीं रखा था, बट ठीक है अभी चेंज कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना गाइस। रॉक थ्रो, ओके। वाटर गन तेरे लिए बहुत होगा, एक वाटर गन और तू गया, क्योंकि वाटर गन बहुत स्ट्रांग अटैक है, मतलब जैसा मेरे को लग रहा है, बट फिर भी देखते हैं। और अभी आगे आगे, ओके यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ से हम लोग एक और जगह पे आए, यहाँ पे भी वही सीन है, हम लोग यहाँ से जाएंगे। दिस टनल गोज अ लॉन्ग वे किड, चलेगा यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यार अरे इसके पास कितने पोकेमोन हैं, हमें पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है इसके पास जियोडोड और एक आखिरी में होगा आई थिंक, वो कौन था ना यार, को नमज कर रहा है, क्यों ठोक रहे हो बैक कर लोग, अरे आवाज़ कर रहे हो लोग, सॉरी गाइज अगर आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, तो ये मेरे घर से नहीं आ रहा है, पता नहीं कंस्ट्रक्शन चालू है। अबे शांत रहना यार, क्या फालतू गिरी हट। तो यहाँ पे हमने दो जियोडोड तो ऐसे ही मार दिए, एक और जियोडोड आ रहा है, ठीक है आई थिंक लास्ट में ओनिक्स हो सकता है इसके पास, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट देखते हैं, फिर भी देखते हैं है क्या, एक और ओनिक्स आना चाहिए। ओके मैं माचोप आ रहा है, ठीक है हम लोग माचोप आई थिंक मेगा पंच दे के खाली कर देंगे इसको। हाँ मेगा पंच, और ये गया, तो हमने हरा दिया है उसे, और यहाँ से हम लोग सीधा नीचे जाएंगे। ओके एस्केप रोक, ठीक है हमारे पास अभी तीन एस्केप रोक हो गई, तो यहाँ पे हम लोग पोकेमोन चेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है ये रॉक टाइप ट्रेनर होने वाला है, तो इसके सामने हम लोग अभी वाटर टल को ही लाएंगे, क्योंकि वाटर टल फ़ायदा नहीं है ना, अगर पिजियोटो सामने रहता है तो वो हमें स्विफ्ट सेंड करना ही, मतलब चेंज करना ही पड़ता है, तो वही पोकेमोन चेंज करने की अभी ज़रूरत ही नहीं। ओके जियोडोड, यार इनके पास कोई और पोकेमोन नहीं है क्या रॉक टाइप में, सिर्फ जियोडोड ओनिक्स क्यूबॉन ऐसे ही पोकेमोन आते हैं, और क्यूबॉन तो रॉक टाइप भी नहीं है, ग्राउंड टाइप है, बट फिर भी ठीक है। हमारे वाटर टल यहाँ पे लेवल 30 का हो चुका है, कोई अटैक तो नहीं सीखा। ओके ग्रैवलर आ रहा है, ओके काफ़ी अच्छा पोकेमोन है ये भी, बट वाटर गन के सामने मेरे को नहीं लगता टिक पाएगा गाइज, यही तो होता है यहाँ पे। और इसी के साथ हमने इसको भी हरा दिया है, और हमें थोड़े कम पैसे मिले, बट फिर भी ठीक है। यार कितनी बड़ी टनल है, ओके रिपेल ख़त्म हो गया, फिर इसे हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है फिर भी ठीक है, मतलब इतना भी नहीं कुछ हुआ है। यहाँ पे क्या है मेरे को समझा ही नहीं, यहाँ पे नीचे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बैटल होने वाली है, ठीक है। डू यू नो हाउ यू कैन अवॉइड गेटिंग लॉस्ट इन माउंटेन्स, यू कैन बेंड ट्विक्स एज टेल्स मेकर, ट्रायल मेकर, ओके ठीक है काफ़ी अच्छा है, पता है मेरे को, बट ठीक है। जिगली पफ, इसमें फेरी टाइप होता नहीं है इसलिए ये नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, तो हम लोग इसको वाटर गन ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका एक अगर हमने इसको फिजिकल अटैक से मारा तो हम लोग इससे क्यूट, इसका कोई तो एबिलिटी है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं इमोलाइज कुछ तो होता है, ऐसा कुछ तो होता है, उससे हो जाएंगे। पीजी आ रहा है, ठीक है तो हम पिकाचू को भेजेंगे, ऑब्वियसली बात है। और गाइज आपने जो मेरे को सजेशन दिया था पिकाचू पकड़ने का, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पिकाचू हमारे बहुत सारे मैचेस में काम आ चुका है, जैसे कि फ्लाइंग टाइप से लड़ने के लिए, वाटर टाइप से लड़ने के लिए पिकाचू बहुत काम आता है। और एक मियाऊ था रहा है, तो आई थिंक हम लोग कडाबरा भेजेंगे, क्योंकि कडाबरा इस मैच में अब तक एक भी बार यूज़ नहीं हुआ, तो अभी हो जाए। साई बीम इसके लिए आई थिंक इनफ होगी, हाँ देखो कितनी फटाफट एच पी गई, इसका मतलब वही तो समझता है कि कितना पावरफुल है हमारा कडाबरा, लेवल 26 का है, होपफुली ये इवॉल्व हो जाए बस, और क्या चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन यू आर अप ऑन अ रॉकी माउंटेन लाइक दिस रॉक स्लाइड्स आर थ्रेट, कैन यू इमेजिन बोल्डर्स टम्बलिंग डाउन टू यू, डैड बी लाइक वाह टोटल यार, यू डोंट सीम टू बी स्केयर, वॉन्ट ट्राई यूजिंग रॉक स्लाइड। हाँ भाई सिखा दे, क्यों नहीं सिखाया, रॉक स्लाइड हमारा यहाँ एक ही पोकेमोन सीख रहे हैं, मैं पहले
थोड़ी देर पहले मेरे को कॉल आया था, तो उसके लिए मेरे को वो सीन कट करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। और एक और जियोडूड आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है हम लोग इसको आई थिंक हरा देंगे जल्दी से जल्दी। और ये टनल के बाहर पड़ना है यार, ये टनल बहुत बड़ी हो चुकी है। एक और ग्रेवलर आ रहा है, ठीक है। और मेरा आवाज़ आपको चेंज लगा रहेगा, क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा है, मैं बीमार ही रहता हूँ, तो वही। तो हमने इसको हरा दिया है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो अभी ऊपर ही जाएंगे। और यार ये एक और यू हैव अ पोकेडेक्स, हाँ है भिखारी। एंड 14th एपिसोड देखने को भूलना मत, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।